नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है चंद्रकांत और आज हम बात करेंगे एबीएस के बारे में दोस्तों एबीएस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा एबीडी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा लेकिन आप क्या जानते हैं कि ये वर्क कैसे करता है और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी एबीएस की सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं और हिस्ट्री में जानते हैं कि एबीएस बना कैसे आखिरकार दोस्तों नाइन्टीज़ में इसकी शुरुआत हुई थी और नाइन्टीज़ में ये चीज़ रिसर्च की जा रही थी कि यार कैसे भी करके हम अपनी गाड़ी को स्कीड होने से रोकें अब एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर भी इसको कर रहे थे ट्रेन वाले लोग भी इसको कर रहे थे कि हम अपनी चीज़ों को जो ट्रैक्शन लूज़ कर देती है वो करने से रोकें अब बहुत रिसर्च के बाद में एक कार ऑटोमेकर क्राइजलर का आपने नाम सुना होगा उसमें उसकी एक इंपीरियल कार आती थी इंपीरियल में उसने सबसे पहले एक ए सिस्टम ट्राई किया उसके बाद बहुत सारी कंपनियां शुरू गई ट्राई करने में जैसे कि फोर्ड ने अपनी टल जी में किया ट्राई किया लिंगन कॉन्टिनेंटल में ट्राई उसके बाद जनरल मोटर्स ने कुछ अपनी कैडलेक कारों में एज ऑप्शन देने की शुरुआत की उसके बाद निशान निशान ने जापान में डेंसो के साथ मिलकर कुछ गाड़ियों में जैसे प्र, प्रेसिडेंट उनका एक मॉडल आता था उसमें उन्होंने एबीएस सिस्टम देने की सोची लेकिन मर्सडिज बैन ने नाइनटीन में इसको पहली बार एज अ प्रोडक्शन लॉन्च किया और उसके बाद में लगभग हर मर्सडीज की कार में ये आता था बाइक्स में शुरुआत हुई इसकी 1988 में जब बी ने पहली बार किसी बाइक में ए सिस्टम दिया अब ये तो थी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में अब जानते हैं ए सिस्टम होता क्या है ए बी जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है ए का मतलब होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मतलब गाड़ी को घिसटने से रोकना आपने अगर आपको मैं सीधी सीधी बातें बताऊं अगर आपके पास बिना ए वाली गाड़ी है और आप अगर उसके ब्रेक को उस धीरे धीरे लगाएंगे और एक लिमिट आएगी जहां पर उसके बाद में आपका व्हील जो है वो लॉक होने लग जाएगा लॉक होने के पहले अगर आप व्हील छोड़ दें और उसका फिर से ब्रेक लगाएं और फिर से लॉक होने के पहले छोड़ दें तो लॉक होने के पहले छोड़ने वाली चीज़ को बोलते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अब ये चीज़ अगर अपन पैर से करें तो अपन एक मिनट में कितनी बार करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तीस या चालीस बार कर पाएंगे वो भी अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की है यही चीज़ एबीएस जो करता है वो लगभग हर सेकंड में पचास से साठ बार करता है आपके व्हील को रोटेट रोटेट करके रखता है आपके व्हील को ताकि आपका व्हील जो है वो फ्रिक्शन लूज ना करे आपकी गाड़ी हमेशा कंट्रोल में रहे क्योंकि पैनिक ब्रेकिंग के टाइम पर क्या होता है जब आप एकदम सडन ब्रेकिंग करते हैं आप फुल ब्रेक लगा देते हैं सपोज़ आपकी सामने वाली गाड़ी ने पूरा ब्रेक लगा दिया पूरा ब्रेक लगाने के बाद सडनली आपने भी एज अ रिफ्लेक्स आपने पूरा ब्रेक लगा लिया लेकिन क्या होगा अब आप उसको कोशिश करेंगे कि आप स्टेयर करने की कोशिश करें कि आप उस लाइन से हटें और दूसरी लाइन में जाने की कोशिश करें ताकि आप उस गाड़ी आगे वाली गाड़ी में टकराने से बच जाएं लेकिन ऐसा नहीं होगा आपकी गाड़ी फ्रिक्शन लूट कर चुकी है आपकी गाड़ी के आगे के टायर लॉक हो चुके हैं और आपकी गाड़ी उस जा सामने वाली गाड़ी में कोलाइड हो जाएगी लेकिन अगर आपकी गाड़ी में ए है तो आपकी गाड़ी स्टेयर कर पाएगी गाड़ी लॉक नहीं होगी और आपकी गाड़ी निकल जाएगी अब ये वर्क वर्क कैसे करता है? ABS तीन पे वर्क करता है? है। है चीजों पे सिस्टम वही जो मैंने बता दिया लॉक होने से रोकता है अभी कैसे रोकता है इसमें तीन चार चीजें होती हैं। एक होता है स्पीड सेंसर जो कि व्हील के पास लगा होता है जो डिस्क होती है इसकी वो टूथेड होती है मतलब टीथ होते हैं उसमें जो लॉक अनलॉक लॉक अनलॉक इस टाइप से ग्रूफ uh, वाली टीथ होती है जो मैं आपको फोटो में दिखा दूंगा उसके बाद में एक स्पीड सेंसर होता है स्पीड सेंसर के बाद में एक होता है हाइड्रोलिक सेंसर जो हाइड्रोलिक फ्लूड सप्लाई करेगा और एक होता है आपका ई इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट सेंसर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को सिग्नल भेजेगा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट हाइड्रोलिक को सिग्नल भेजेगा कि किस किस टाइम पे कितना फोर्स उसको हटाना और लगाना है आपके ब्रेक पैडल पे भी आपको फील होगा कि आपका जो जब एबीएस एक्टिवेट होगा तो अब आप, आपको वाइब्रेशंस फील होंगे अगर आपके पास एबीएस वाली गाड़ी है तो ये फायदा होता है ए का अब एक्चुअली इसके फायदे क्या होते हैं नॉर्मली अगर आप एक डामर के या कॉन्क्रीट के रोड पे अगर आप एबीएस वाली गाड़ी में ब्रेक लाएंगे तो आपको काफी अच्छा फील होगा लेकिन फायदा ये है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपका ट्रैक्शन बहुत आसानी से लूज हो सकता है जैसे कि स्नो वाली सरफेस है स्नो वाली सरफेस के अलावा अगर रोड गीला है तो उसमें आपकी गाड़ी आसानी से फिसल सकती है बारिश के टाइम पे गाड़ी आसानी से फिसल जाती है ट्रैक्शन आसानी से लूज हो जाता है और व्हील जो है लॉक हो जाते हैं उन कंडीशन में जो है आपकी गाड़ी कंट्रोल खो देती है और ए आपका बचा लेता है उसके बाद बात करते हैं ई की ई जो होता है ई भी थोड़ा सा ए को सपोर्ट करने के लिए मान लें ई थोड़ा अलग ही होता है ए से रिलेटेड नहीं होता है अलग होता है लेकिन ई का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ सपोज आपकी गाड़ी के ये दोनों आगे के टायर हैं ये वाला टायर जो है आपका एक अच्छी सरफेस पे जहाँ पे ग्रिप बहुत अच्छी है लेकिन ये वाला ऐसी सरफेस पे जो कि गीली है या फिर बर्फ में है या फिर किसी ग्रेवल वाली जगह पर है जहाँ पर ट्रैक्शन आसानी से लूज हो सकता है लेकिन अगर आपकी गाड़ी बराबर तरीके से ब्रेक फोर्स लगाएगी आगे के दोनों टायरों पर जिनमें एक जगह ट्रैक्शन अच्छा है एक जगह अच्छा नहीं है तो क्या होगा जहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन है वो वाला रुकने की कोशिश कर जाएगा और लेकिन जो नहीं है वो उस पर गाड़ी ट्रैक्शन लूज कर जाएगी और इस वाले को सेंटर लेके गाड़ी गोल घूम जाएगी इन कंडीशन में ईबीडी का कर करता है ईबीडी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपकी गाड़ी के में सेंसर लगे होंगे कि गाड़ी में कौन सी जगह पर आपका ट्रैक्शन लूज हो रहा है तो जहां पर ट्रैक्शन लूज हो रहा होगा वहां पर वो ज्यादा ब्रेक फोर्स लगाएगी और जहां पर ट्रैक्शन अच्छा अवेलेबल है वहां पर कम फोर्स लगाएगी तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ये ऐसे काम करता है अगर आपकी गाड़ी में चारों डिस्क ब्रेक हैं तो वो चारों व्हील पे भी आपका ये ईबीडी काम करेगा चारों व्हील जो एक साथ में ब्रेकिंग में रुकते हैं तो उस पर भी वो सेंस करेगा कि कौन से व्हील आपके ज्यादा ट्रैक्शन में है और कौन से कम ट्रैक्शन में है तो उससे होगा ये कि आपकी गाड़ी अगर सीधी है तो वो सीधी ही रहेगी फुल ब्रेकिंग के टाइम पर ही अगर आपकी गाड़ी इधर उधर जाती है तो वो नहीं होगी अगर आपकी गाड़ी में ईबीडी नहीं है तो आपकी गाड़ी हंड्रेड परसेंट गोल घूम जाएगी कुछ भी अनबैलेंस हो जाएगी अगर आपके टायर्स जो है वो अलग अलग कंडीशंस में है तो ये होता है ईबीडी का काम अब एक चीज़ और है जो बाइक्स में भी आती है बाइक में एबीएस ईबीडी एस ई बी नहीं आता एबीएस आता है लेकिन बाइक्स में भी एक और चीज़ की रिसर्च चल रही है कि कॉर्नरिंग एबीएस कॉर्नरिंग एबीएस क्या होता है आपने देखा होगा कि बाइक सीधी चला रहे एबीएस एक्टिवेट हुआ और फिसली नहीं ये तो सबको पता है लेकिन कॉर्नरिंग एबीएस में क्या होता है जब आपकी गाड़ी इस तरीके से चल रही मतलब आप टर्न ले रहे हो एक शार्प टर्न ले रहे हो शार्प टर्न के टाइम पर भले ही आपकी गाड़ी में एबीएस अगर आप ब्रेक लगाते हो तो आपकी गाड़ी स्किड हो जाएगी आप वैसे के वैसे नीचे चले जाओगे और आपकी गाड़ी मतलब आप गिर जाओगे सीधी सी बात है लेकिन अगर आपकी गाड़ी में कॉर्नरिंग ए है तो आप फुल बिना कुछ सोचे समझे ब्रेक लगा सकते हो और आपकी गाड़ी जो है कॉर्नरिंग आराम से निकल जाएगी और आप गिरोगे नहीं ये चीज़ पे अभी रिसर्च चल रही है हो सकता है बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च हो जाए और बहुत जल्दी बहुत जल्दी वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो जाए इस पर रिसर्च चल रही है हो सकता है जल्द से जल्दी लॉन्च हो तो आशा करता हूँ दोस्तों ए और ईडी के बारे में आपको समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं रोज ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहता हूँ